बीती रात मुंबई में रखी गई फिल्म पात्र की स्क्रीनिंग। इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगे साहिल आनंद। साहिल आनंद की फिल्म पात्र की स्क्रीनिंग के मौके पर उनके बेस्ट फ्रेंड पार्थ समथान, पूजा बनर्जी, शुभवी चौकसी, नैना सिंह और वहबीज शामिल रहे। वहबीज के साथ तमाम सारे सितारे स्क्रीनिंग में शामिल रहे और साहिल आनंद को दी उनकी फिल्म के लिए ढेर सारी बधाइयां। एक्साइटेड हो कि नहीं? दिख तो नहीं रहा। इतना लेट आई है? मैं लेट आई हूं, पर आई हूं ना। नहीं, पर एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी फॉर साहिल एंड साहिल ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आई एम श्योर दिस विल डू रियली ग्रेट वंडर्स फॉर यू एंड फॉर ऑल द ऑडियंस आउट देयर। एंड आई थिंक साहिल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा था। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोजेक्ट इसे मतलब इस पर असर अगर की है यू नो इमोशनली एंड एवरीथिंग, इट्स दिस मूवी। आई थिंक यू पुट ऑल ऑफ योर लाइक 100% ऑल ऑफ योर एंटायर एफर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड ऑल द बेस्ट। आई हैवन्ट सीन इट बट आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छा काम किया होगा। तेरा वो जो मैंने पोस्टर देखा था ना, वो देख कर ही मुझे लग रहा था ओ माई गॉड, दिस इज नॉट साहिल। डोंट यू थिंक सो? दिस इज नॉट साहिल, दिस इज नॉट द साहिल दैट आई हैव नोन, यू नो, दैट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। He's very bubbly. अगर किसी का मतलब अगर मैं और पूजा झगड़ा करते थे ना खाने पर या वॉट एवर, वो जाने दो ना, मेरा ले लो, लाइक यू नो इज लाइक दैट। आई हैव सीन अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने इसको यही मैसेज किया, आई सेड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बींग अ परफॉर्मर, या बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आप हमें देखते हैं ऑन स्क्रीन, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट एज एन एक्टर हमारा भी प्रोसेस है। जस्ट बिकॉज इट डजेंट कम आउट डजेंट मीन नहीं है, एंड दैट प्रोसेस कैन समटाइम्स टेक डेज टू गो। दिस इज कसौटी रीयूनियन एंड निवेदित का रियल हस्बैंड इज हियर, दैट इज एंड द फेक हस्बैंड, इसलिए तो शानदार भी। आई थिंक उसने इसी से इंस्पिरेशन लिया होगा ना इतना सीरियस रोल करने के लिए। That we are not able to function properly or smoothly. So yes, please look after yourself and stay healthy mentally also. And if anything goes wrong, visit Sahil. He will make sure that he cures your mental illness. Actually, it's very important for all of us, and friends is an essential part of our lives. And also, being an actor also, we need certain friends who can be real to us, who can be very themselves. And they say that in our industry, it's very difficult to make friends, especially when it comes to actors. So, but thankfully, I got my bunch of family. You know, I got my bunch of family in Kasauli, and we really had a good time. We really had some great memories during the show. We laughed a lot. We ate a lot. After the show, we still laughed. We still shared a lot. We shared a lot. Sharing is caring. Sharing is caring. So yeah. ये क्या था sharing is caring? क्योंकि जो खाना इसके लिए बनता था वो हमारे लिए आता था और हम खाते थे। उन्होंने डाला है, जो बनाया है, ग्रेट। एक एक्टर के लाइफ में एक कैरेक्टर कितना इफेक्ट कर सकता है, उसको कितना डीपली इंसान एक एक्टर रिलेट कर सकता है, ग्रेट डेडिकेशन टू द एक्टर्स हू डन इट। साहिल ने बहुत अच्छे से वो रोल निभाने की कोशिश की है। मुझे साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम लगी है फिल्म के, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम कि उसको बिफोर इट्स आउट टू द पीपल उसको शॉर्ट कर लो, अदरवाइज डायरेक्टर शॉर्ट टेकिंग एडिटिंग काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट ओवरऑल आई वुड से ब्रिलियंट एफर्ट। मैंने अभी फिल्म देखी एंड बहुत इंटेंस फिल्म है, लाइक बहुत इंटेंस सब्जेक्ट है और मुझे बहुत पसंद आया, कुछ अलग था। एंड साहिल को हमने हमेशा कॉमेडी में देखा, सारे कॉमेडी रोल्स में देखा हमने साहिल को, सो ही इज डन अ ग्रेट जॉब एज एन एक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्सेटाइल रहे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स करिए, सो साहिल हैज डन अ फैबुलस जॉब। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है और ऐसा एक्चुअल में लाइफ में होता है,
कई लोगों के साथ, तो ट्विस्ट तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, उसके लिए आप ये पात्र जरूर देखिए और साहिल को आपने इस अवतार में नहीं देखा होगा इसकी गारंटी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये इसके चक्कर में ये गायब हो गए थे, इन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, तो मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है इसमें जिसमें साहिल ने एकदम से वो किया कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहूँगा। सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।